यूट्यूब पे ना आने के लिए थोड़ा ना दिल को स्ट्रोंग करना बहुत जरूरी है, जो शायद अभी मेरा इतना है नहीं। सच में मैं बता रही हूँ, मैं शाम को ना डेली वॉक करने जाती हूँ, और आज मैं वॉक करने गई ना, मेरे सच में पैर हाथ कांपने लग जाते हैं। सच में मेरे को ऐसी घबराहट होने लग जाती है, मैं सोचती हूँ यार अब मैंने क्या कर दिया। मैं सच में मतलब किसी और का करना वरना नहीं, मतलब मेरे खुद का ही ऐसा हो जाता है कि यार अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। मतलब मैं ना अपनी जो मतलब जर्नी बताती हूँ ना, तो उसमें जैसे मेरी मैं आपको अपनी बात बताने लग रही होती हूँ, अपनी आप बीती बताती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, जो मैंने देखा जो हुआ, उसको ऐसे का ऐसा दिमाग से दिल से निकाल के उठा के आपके सामने थाली में ऐसे का ऐसा रख देती हूँ। तो ये मेरे से गड़बड़ हो रही है, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा सिंपल स्पष्ट होना, और जो एक होता नहीं बिल्कुल ऐसे का ऐसा, मतलब ना अंदर से ऐसा ना बाहर से वैसा, वो चीज मेरे को दिक्कत कर रही है। मतलब एक होता है ना, एक इंसान मतलब एक बार दिल से निकाल के कोई बात दिमाग से पहले सोचता है, उसको दिल में कुछ और होती है बात, फिर दिमाग में कुछ और उसको घुमाता है, फिर आता है उसको और चेंज करता है बात को, फिर वो सोचता है कि सामने वाले तक बंदे का क्या सोचेगा, तो उस बात को और उठा के तोड़ मरोड़ करता है, तो उस बात को ऐसे का ऐसा करके जुबान से निकाल देता है सामने। तो वो चीज शुरू से आती ही नहीं करनी, जो बात होती थी मुंह के मुंह सामने के सामने बोल देती थी मैं, जो बात थी सच बोलती थी, मतलब झूठ कभी मुंह से निकलता नहीं। और सच ऐसा होता है कि मतलब कई चीज ऐसी होती है जो अब आप कहते हो मुझे बताते हो, तो मेरे को ना जैसे कई मुझे कमेंट्स आते हैं ना, तो वो मुझे बोलते हैं दीदी आप ना समझी कर रहे हो, वो ये नहीं कहते, और मुझे उनका ना बहुत थैंक यू बोलती हूँ, आप मुझे ऐसा सजेस्ट करते हो तो मुझे चीजें समझ आती है। होता क्या है कि मेरे ऊपर जैसे कोई नेगेटिव वीडियोस कोई बनाता है कुछ है, तो पता है क्या रिलेटिव्स होते हैं फ्रेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले मेरे पास वो वीडियो का लिंक भेज के दिखाएंगे, देख तेरे बारे में ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे कह रहा है, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो आप ये बात एक बार खुद सोच के देखिए, मैं अगर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो मैं अपने पर्सनल लाइफ में जिनको मैं जानती हूँ पहचानती हूँ जो मैंने लाइफ में देखा है, मैं उसके बारे में बात बता रही हूँ। पर मैंने आप कभी भी मेरी वीडियोस देखोगे, आप नोटिस करोगे, मैं कभी भी किसी यूट्यूबर की बुराई नहीं करती, कभी भी नहीं करती, मेरे मुंह से कभी निकलती नहीं, मेरे को किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, अपनी जिंदगी क्या कम है क्या, जो समझते हो ना आप। तो आप ये सोच के देखिए, कोई इंसान अगर मेरी बुराई करता है मेरे बारे में कुछ कहता है, तो आप ये सोचो कि वो इंसान कितना स्मार्ट होगा और इंटेलिजेंट होगा, कितना स्मार्ट होगा जो जो कि मेरे को पर्सनली जानता भी नहीं है, है ना, जो इंसान मेरे को पर्सनली ही नहीं जानता कि मैं हूं क्या, कैसी लड़की हूं, और मेरे बारे में एक परसेप्शन रख सकता है कि नहीं ऐसा है ना ये चीज़। तो मेरे को किसी से लेना देना नहीं होता, मैं यहाँ पे हूँ, आप मेरी फैमिली हो, मैं गलतियां करूंगी तो डांट भी खाऊंगी, आप मेरे को सुनाओगे भी बोलोगे भी ये गलत किया आपने, और मैं अगर मेरी गलती होगी तो मैं मानूंगी भी, मैं कहूंगी भी कि हाँ मैंने ये गलती कर दी, ये ऐसे गलत किया, ये चीज़ गलत हो गई मुझसे। तो मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं यहाँ पे अभी नई नई आई हूँ, तो धीरे धीरे समझ आएगा कि अच्छा ये चीज़ें भी होती हैं। सच में धीरे धीरे आप मेरे को देखोगे ना, मैं सुबह सोचती हूँ बात कुछ और करनी होती है, फिर मैं सोच ये पड़ जाती हूँ कि इस चीज़ के बारे में बताना है पड़ेगा मेरे को, अच्छा नहीं ऐसा नहीं, मतलब मैं एक्सप्लेनेशन में ज्यादा चली जाती हूँ, मतलब सोचती ज्यादा हूँ उस चीज को, और मेरी इंटेंशन नहीं होती, मतलब मैं बस वो चीज है कि ऐसे अब वो चीज मैं कैसे मतलब खुद को, वो तो पूरा बदलने वाली बात हो जाएगी ना, कि नहीं अब मान लो मैं कोई बात है मुझे आपको बतानी है, और एक इंसान वो उस बात को बदल के आपके सामने बात रख दे, वो भी होता है, मैं सीधा रख देती हूँ, यही है ना उदाहरण, मैं सीधी की सीधी वैसे की वैसे उठा के रख देती हूँ। तो हम जैसे लोग अपना खुद का बहुत ज्यादा नुकसान करवा बैठते हैं सच में, ना चाहते हुए भी ना समझी में। अब मैं सोच में मतलब मैं ऐसे देख रही, जैसे मेरा बाबू मेरी गोदी में था अभी कल परसों की वीडियो में आप देखना, और मैं बता रही हूँ आप सबको कि हाँ मेरा बाबू की तबीयत खराब है, बड़ी मुश्किल से सोया है, और मुझे कमेंट्स आ रहे हैं अगर सोया है गोदी में है तो आप बोल क्यों रहे हो, मतलब और कोई और स्मार्ट लड़की होती ना तो बच्चे को साइड में लेटा के दूसरे कमरे में जाके फिर बात करती, क्योंकि वो सोच लेती ये चीज कि अगर वो ऐसे गोदी में बच्चा लेके वीडियो बनाएगी तो लोग ये चीज बोलेंगे उसको। पर मेरे दिमाग में ये चीज आई नहीं, और मेरा बाबू ना मेरी आवाज सुन के जागता नहीं है, वो मेरी गोदी में सोता है, सो गया ना एक बार तो सोता रहेगा, वो आवाज से नहीं तंग होता, मुझे मालूम है उसका, तो वो चीज मेरे दिमाग में कभी आती नहीं।
यहाँ पे मेरे मेरे साथ नुकसान भी होता है इस चीज का सच में बहुत ज्यादा। अब मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में मैं ये बता देती हूँ कि हाँ ये चीज हुई थी, मतलब मैंने अपनी लाइफ का बचपन बता रही थी कि बचपन का लाइफ का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा। तो मेरी इंटेंशन कुछ भी नहीं थी, मैं सुबह गई अपनी जगह बैठी और मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मैं ये बात बताऊंगी कि मेरा बचपन कैसे बीता, मतलब मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस बता रही थी। तो उस चीज को मतलब थोड़ा सा नेगेटिव हो गई वो बात भी, मतलब सबको ये लगा कि हाँ ऐसा कर रही है ये, लेकिन मेरी सच में मन में दिल से कुछ भी नहीं थी ऐसी इंटेंशन, दिमाग में नहीं थी। और इवन मैंने वीडियो भी डाल दिया उसके बाद भी मेरे दिमाग में नहीं आया ऐसा कुछ कि मैंने मतलब ऐसा क्या हो गया। फिर बाद में मेरे को लगा है ये क्या बात, मतलब उस बात मतलब बात का मतलब उस वहां तक बात समझ लोगों ने समझ ली, पर कोई और मेरी जगह होता तो शायद सोच लेता ना इस बारे में कि नहीं इस चीज को ऐसे नहीं रखनी चाहिए बात या वैसे नहीं, इससे ये इम्पेक्ट पड़ेगा। मेरे तो दिमाग में आया ही नहीं ये चीज, मुझे तो ये लगा कि मैं अपनी बात बता रही हूँ, एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो वो भी बहुत साल 35 साल पुराना, जो कि अब आज के टाइम में कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ टाइम से ना मेरा मतलब चीजें ना मतलब जैसा मैं लाइफ में मैं करना चाहती हूँ ना यूट्यूब पे आके जो मैं काम करना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा ये कह सकती हूँ कि मैं अपने ट्रैक से थोड़ा सा भटक सी गई हूँ। मैं जो चीज़ मैं लाना चाहती हूँ मैं वो चीज़ें बताना चाहती हूँ, मैंने 7 महीने कैसे यहाँ से तक आई अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ, पॉजिटिविटी मैं लाना चाहती हूँ सबकी लाइफ में। पर वो पॉजिटिविटी तभी आएगी आप सबकी लाइफ में जब मैं खुद पॉजिटिव रहूँगी ना, है ना। लाइफ में चीज़ें जैसे मेरे को खुद अपने आप को ना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी आसपास की नेगेटिव चीज मेरे को नेगेटिव ना करे, मैं नेगेटिविटी में ना चली जाऊं। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, मैं अपने जो मेरा ट्रैक है उससे मैं डाइवर्ट नहीं होऊंगी अब अपनी लाइफ में, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ तो कुछ अच्छा करना है आप सबके लिए भी खुद के लिए भी। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड नाइट।